सुरेश भाई और श्याम भाई वहां 5 मिनट रुके पटका में बुझो और भाई तो सीधे टॉस पे चला तीन कलम रे नो विजेता खिलाड़ी का ओ हो 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 लेकिन नंद पटका पक्के हो लेन के अंदर नो के तो उनको तीन बकुल हो जाओ जामरू भी देखो उठा पटका नपाय है। दोनों पहलवानों के इस तमाम दर्शकों से आग्रह है कि ताली बजा करके स्वागत करना चाहेंगे। जोरदार से ताली बजाया जाए एक बार इन लोगों के लिए। वाह, जो कि दुमका और पाकुड़ जिला के दो जिला के पहलवान आप लोगों के बीच अपना पहलवान जो कुश्ती का दाव पेच है आजमा रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल चलिए तीन कलम रन सेकंड स्थान पर जगह सात बड़ा खिलाड़ी का हो श्याम सोरेन पकुड़िया और उन्हें सामने रह रहे नोडे मिनाया श्यामुल अंसारी दुमका। वाह चलिए चलिए ओहो बाबा रे टाइम स्टार्ट गिनती तारीख ना पे हो बाबा रे बाबा रे श्याम सोरेन राज्य स्तरीय कुश्ती रे भाग्य हता चुका कदा हो और नोटा पूरा हो कम बनुया कम बने कम बने कम 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 बीच में मंचासीन श्री सुधीर कुमार मंडल जी जिला परिषद उपाध्यक्ष दुमका जो कि इस 18वां संस्करण प्रतियोगिता फुटबॉल में एक मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और इस पुरुष और महिला वर्ग के कुश्ती प्रतियोगिता का आनंद और हम लोगों के बीच उपस्थिति बहुत ही सुनहरा और अच्छा अवसर प्रदान किया है। साथ में हमारे प्रखंड रामगढ़ के प्रखंड अध्यक्ष श्री शिवलाल मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्री नंदलाल राउत प्रखंड सचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस मंच पर मंचासीन है। श्री बाबूलाल मुर्मू प्रखंड प्रमुख रामगढ़ हमारे इस मंच पर मंचासीन होकर के सभी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करते हैं तो बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए विशेष करके विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथियों का। साथ में इस मंच पर मंचासीन माननीय श्री चार्ल्स बेसरा रामगढ़ प्रखंड के मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष और फर्स्ट एड उन्हें रुई और डिटूल रुई और माफी चाहूंगा यहाँ पर खिलाड़ी थोड़ा सा चोटिल हुए हैं सदस्यों का मनोबल को दुगुनी किया है की है। साथ में हमारे
इस दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन समिति के संरक्षण के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संयोजक सह केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्री छोटेलाल मंडल के गरिमामयी उपस्थिति में बहुत ही शानदार मैच का आयोजन अभी तक चला आ रहा है। बिल्कुल इस दरमियान मैं इस मंच और इस टूर्नामेंट का सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक यहाँ की खबर को फैलाने वाले पत्रकार बंधु श्री मणिचरण जो कि प्रभात खबर के पत्रकार है उसका भी मैं इस कमिटी की ओर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री रामजी शाह भी इस मंच पर विराजमान है जो आवाज खबर के पत्रकार के रूप में हमारे इस मंच पर आए हुए हैं। तो इस तरह से इस महफिल को और इस महफिल की गरिमामय को बढ़ाने के लिए हमारे बीच बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमारे बीच पहुंच चुके हैं मुख्य अतिथि श्री सुदेश कुमार मंडल, साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय नेता कार्यकर्ता इस मंच पर मंचासीन है। फिलहाल ये महिला वर्ग और पुरुष वर्ग का कुश्ती पहलवान का जो नजारा यहाँ पर पेश किया जा रहा है, श्री अप्पा जो कि झारखंड लेवल के कोच के रूप में जाने जाते हैं और सेकेंड राउंड का ये कुश्ती खेल चल रहा है। अब देखना है, बहुत ही दिलचस्प, विशेष रूप से इसका लेखा जोखा सुनाने के लिए हमारे मनोज का। चलिए नुआ मिनट, चलिए 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 अंदर आइए, अंदर रहिए, आधा मिनट समय अंदर मेरा, 5 मिनट का टाइम हो चुका है। रो आशीष भाई और श्याम भाई वहां 5 मिनट रुके पटका में बुझो और सीधे टॉस से चला तीन कलम रे वो विजेता खिलाड़ी का लेकिन नंद पटका पटके हो लेकिन क्या जरे नंद के ना उनको तीन बकुल रह गया हो जामुरू भी अंते को उठा पटा नपाय हो बबारे चाली अटिक मसान की लड़क ना भीत से दे आशीष कुमार मैंने तहन गुन आसानी ते पटका हुआ हो लेकिन श्याम हो मैंने पसीना बहा लगा हुआ दिया यानी बनार पहलवान थे तम मिना मुट्टी श्याम कुमार सॉरी जबकि लुटा कने आशीष कुमार ये देखिए ये देखिए 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 पट दिया पटा दिया। ओहो श्याम सोरेन ये बहुत ही लाजवाब प्लेयर है, पिछले वर्ष के शायद ये रनर रहे थे कुश्ती पहलवान में। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन काफी समय ही आपकी बार क्या ये विनर हो सकते हैं कि नहीं देखना है, बहुत ही दिलचस्प होगा। श्याम जो कि उत्तरी छोर पर है बिल्कुल और जो पतले फिटनेस के हैं ये शायद आशीष हैं और सुरेश काठीकुंड के ये बड़ी अभी थोड़ा सा आराम फरमाइश कर रहे हैं फिलहाल। श्याम जी देखिए ओ पटक नहीं दे दिया है, अब देखना है अभी तक यहां अंपायर का क्या डिसीजन आता है। बहुत गौर से यहां पर देख रहा है, अभी तक तो सब कुछ ठीक हुआ है लेकिन हो ना हो यहां श्याम जीत नहीं सकता है। अब आशीष को कुछ यहां पर करना ही होगा नहीं तो ये मुकाबला यहीं पर बंद हो सकता है। हाय रे सही हो अंतिम समय उन्हें जीत कर लीजिए श्याम, जो जाता नहीं होना चाहिए थाईवुल हो लेकिन ताक देना होगा, उन्हें आशीष को सबासी देना होगा। इन्हें मरान पहलवान क्या बेहतरीन
कम चैलेंज है, चैलेंज भी हो और बना हुआ। अगले साल अगर आशीष यहां आएंगे तो निश्चित तौर पे यहां पर श्याम जैसे पहलवान को भी पटकने की क्षमता रख सकता है। वाह, काफी दम दिखाया है आशीष ने। मना गया हो आशीष से हरा होने अलग बात है, लेकिन उन्होंने दिल जितकर बल प्रदर्शन किया और श्याम अंतिम मिनट हरिए को किया। वाह, चलिए पहलवान श्याम सोरेन सवारे हुए, लेकिन सबसे तगड़ा गति हुआ। वाह, चलिए क्या निर्णय क्या होता है, ये फाइनल है। चलिए फाइनल मुकाबला चिदाजय सुरेश भारतों में जीतने का ना और श्याम भाई है भारतों में जीतकर करना मामला 50,000 रुपया करना हो। चलिए बड़ा चुनौती कहना सुरेश तुम और बड़ा चुनौती कहना श्याम सोरेन तुम्हारे युवा पर घटना बन जाता हो वह घटना को संथाल चिगल यूट्यूब चैनल के वह हमारे जोरदार ताली होना चाहिए। 10,000 टका तो कोई खाई नहीं पड़ा। जब तो कोई मोटा यानी हेंदे पेट वाला तो सुरेश शुरू करे जबकि हरियो पेंट तो श्याम सोरेन कना हमारे वह योगी। चलिए चैंपियन 10,000 से 5,000